हेलो अस्सलाम वालेकुम तो चलिए आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल मिर्ची के भजिए या पकोड़े नाम कुछ भी दें ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसकी फिलिंग जो मैंने बनाई है बहुत ही अच्छी है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसके लिए ख़ास चटनी भी मैंने बताई है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जजाक खैर तो चलिए अब हम बना लेते हैं अब इसमें रहीम तो इसके लिए देखिए मैंने दो सौ ग्राम जो है मोटी वाली मिर्च ली है आप पतली वाली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं लेकिन वो क्या तीखी होती है मोटी वाली जो है सही रहती है तो इसको मैंने क्या किया है धुल करके अच्छी तरीके से पोच करके रख लिया है तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और पहले हम चटनी बना लेते हैं तो देखिए चटनी बनाने के लिए मैंने दो टेबल स्पून जो है पीनट लिया यानी मूँगफली के दाने और दो टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है भुना चना तो अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ है तो आप एक भी चीज़ की चटनी बना सकते हैं थोड़ा कोकोनट वग़ैरह डाल सकते हैं मतलब नारियल का बुरादा या नारियल वगैरह जो भी तो उससे भी ये बहुत अच्छी बन जाती है तो बस इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसके छिलके अच्छी तरीके से निकल जाएँ तो देखिए इसके छिलके बहुत आराम के साथ जब अच्छी तरीके से भून जाती है तो निकल जाते हैं तो बस उसके छिलके निकाल करके मैंने मिक्सर के अंदर डाल दिया है अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डालेंगे तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कोतमीर है पुदीना है दो हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन है अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं तो देखिए कोई भी चीज़ बनाओ ना तो उसका पूरा अहतमाम करना चाहिए मतलब अब मैं मिर्ची बना रही थी तो बस पकौड़े की जब तक चटनी ना बनाओ तो मज़ा नहीं आता है ना तो उसके अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक और इमली का पल्प है ये एक चम्मच मैंने डाला है अगर इमली का पल्प नहीं है तो यहाँ आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी चटनी हम बना लेंगे अच्छा इसके ऊपर मैं तड़का वगैरह कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि जैसे इडली वगैरह हम बनाते हैं तो उस पर मैं तड़का ज़रूर देती हूँ लेकिन इसमें मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि भजिए जो ऑलरेडी ऑयली होते हैं तो फिर हर चीज़ में ऑयल ठीक नहीं होता है तो ये चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है तो अब जो है हम बेसन का एक बैटर बनाते हैं तो उसके लिए देखिए मैंने लिया है एक कप जो है चने का आटा मतलब बेसन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच जो है तीखी वाली लाल मिर्च वैसे मिर्च की क्वांटिटी जो है आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है नमक आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है गर्म मसाला पाउडर और दो चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लार अगर आपके पास कॉर्नफ्लार नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं या दोनों एक एक चम्मच डाल सकते हैं इससे क्या है पकौड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं तो बस देखिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच अनारदाने का पाउडर तो इससे ना पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल लीजिएगा नहीं है तो एक चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं यानी खटाई ठीक है या फिर एक चम्मच चाट मसाला तीनों में से जो सी भी चीज़ है वो एक चम्मच डाल दीजिएगा इसको हम सूखे में ही पहले एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जितने मसाले हैं ना बेसन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए पहले ही जब पानी डाल दो तो क्या है मसाले एक जगह चिपक जाते हैं फिर अच्छी तरीके से वो मिक्स नहीं होते हैं अब जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेंगे अब हाथ से देखिए नज़ाकत के साथ करेंगे तो फिर हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे तो कुछ चीज़ें ना बहुत देसी स्टाइल में ही करना चाहिए तभी मज़ा भी आता है अच्छे भी लगता है तो हाथ से मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा इससे क्या है ना पकोड़ा जो है हमारा बहुत फुला पुला सा मज़ेदार सा जिससे बाहर मिलता है ना ठेले वगैरह पे बंडी पे वैसा लगेगा तो देखिए बेसन हमारा बिल्कुल तैयार है इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा ऐसा लिक्विड टाइप तो बस ये बिल्कुल रेडी है अब हम इसको दस मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और अच्छी तरीके से सेट हो जाए जब तक हम क्या करेंगे मिर्ची को हम रेडी कर लेते हैं तो मिर्ची को मैंने पहले ही से देखिए धुल करके पोच के रख लिया था अब इसको हल्के से हाथों से इसको एक कट लगाएंगे बहुत डीप कट नहीं लगाना है नहीं तो क्या है यह आर पार पूरी कट जाएगी तो इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है तो इसलिए बहुत हल्के हाथों से लगा करके इसके जितना भी सीड है ना इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे सीड रहता है तो क्या है मिर्ची थोड़ी सी तीखी भी लगती है अगर पतली वाली मिर्च की अगर हम भजिया बनाएंगे ना तब तो पक्का वाला सीड निकाल ही लेना चाहिए क्योंकि उससे तो बहुत तीखी हो जाती है इसमें उतना मतलब कड़वापन नहीं रहता है लेकिन ये सीट किसी काम की भी नहीं लगती है बहुत मोटी मोटी रहती है ना तो इसको निकाल लेंगे तो भजिया बहुत अच्छी बनेगी मतलब इसके अंदर फिलिंग जब जाएगी ना तब बहुत अच्छा लगता है तो जो भी बीज वगैरह रहे तो इस तरीके से आप निकाल दीजिए चम्मच से ये बहुत आराम से निकल जाता है तो देखिए बिल्कुल रेडी है इसी तरीके से मैं सारे ही मिर्च को कट करके रेडी कर लूँगी तो ये देखिए सारा जितना भी बीज है अब इसको हम डिस्कार्ट कर देंगे मिर्च हमारी कट के बिल्कुल रेडी है तो इसके लिए अब हम एक अच्छी सी फिलिंग बनाते हैं तो इस फिलिंग के साथ आप ज़रूर से एक बार इस ना मिर्ची के पकौड़े को ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत मज़े की बनती है तो देखिए इमली को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए गर्म पानी में उसके बाद जो है इसको मैंने ग्राइंडर में चला लिया है आप चाहें तो हाथ से भी इसका पल्प निकाल सकते हैं तो बस ग्राइंडर में मैंने चला लिया ताकि एकदम अच्छे से स्मूद हो जाए और थोड़ी सी बारीक प्याज डाली है और एक चम्मच लाल मिर्च और नमक इमली है तो नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो नमक चख के ही डालिएगा प्याज थोड़ी इसी कम लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ा और डाला है बिल्कुल ऑमलेट की जो प्याज़ होती है ना बारीक बारीक वैसी प्याज मैंने कट करके डाली है अब जो है हम जो हमने मिर्च को कट करके रखा है उसमें जो फिलिंग हमने तैयार की है ना इसको हम डालेंगे अच्छा ध्यान ये रखना है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिलिंग नहीं डालनी है क्योंकि ये इमली है तो बहुत खट्टी होती है तो फिर ऐसा ना हो कि बहुत खट्टा खट्टा ऐसा मुँह में आए तभी भी अच्छा नहीं लगेगा बस थोड़ी सी डालनी है थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग सब के अंदर देखिए मैंने डाल दी है अब इसको हम क्या करेंगे ना ये खुले नहीं तो थोड़ा सा ना ऐसा हाथ से दबा देंगे देखिए इस तरीके से है ना ताकि जब हम बेसन में डिप करें तो ये खुले नहीं वैसे खुलता तो नहीं है तो थोड़ा सा बस दबा दिया है बेसन को भी चेक कर लेते हैं बेसन हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया देखिए आपको खुद लग रहा होगा कि बिल्कुल लाइट हो गया और बहुत अच्छा फुला फुला सा लग रहा है ना तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं तो तेल मैंने गरम कर लिया है एक बार गरम करने के बाद जो है फ्लेम को मैंने कम कर दिया मतलब मीडियम पे कर दिया है अब जो है मिर्ची को हम बेसन के अंदर अच्छी तरीके से डिप करेंगे और एक एक करके जो है हम तेल में डालेंगे तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग मुझे ज़रूर से बताया करिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं घर में खुद बनाती हूँ चीज़ें बस वही चीज़ें मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा ताम झाम ना करूँ एक से चार चीज़ें ना डालूँ पता चला जब हम बनाने उठते हैं तो चार चीज़ें हमारे घर में होती नहीं है फिर मंगाओ कोई लाने वाला नहीं मिलता है कोई मतलब बहुत मुश्किल आने लगती है ना तो बस ऐसी ही चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मैं खुद भी घर में ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ कि अच्छी भी बन जाए मज़ेदार भी लगे और कम चीज़ों में चीज़ें तैयार हो जाए तो देखिए इसको मैंने धीमी धीमी आज पर मतलब मीडियम फ्लेम पर ही इसको पका रही हूँ मैं और तीन चार मिनट के बाद जो है मैं फ्लिप कर दूंगी वैसे देख लीजिएगा कि कितनी देर में आपका एक साइड से मिर्ची पक गई है तो देखिए खूब अच्छा सा कलर इसका आ गया है एक साइड से तो मैं अब इसको फ़्लिप करके दूसरे साइड से भी बना लूंगी तो लग रही है ना मज़ेदार सी तो ऐसी चीज़ें क्या होता है ना कि आप शाम में भी बना सकते हैं अभी रमज़ान चल रहा है तो आप रमज़ान में तो इसको ज़रूर से बनाइएगा और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी हम बाहर जाते हैं और हमें दिख जाती हैं तो हम लिए बिना रह भी नहीं पाते हैं इतनी ये टेस्टी लगती है ना तो बस देखिए मैंने सब निकाल लिया मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ तो बहुत क्रिस्पी भी ये बनती है क्योंकि इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला है तो ये देखिए इसकी फिलिंग बहुत टेस्टी है ये तो बस इसको एक ख़ास चटनी के साथ इंजॉय करिए आप चाहे तो इसको टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं तो अभी के लिए इजाजत दे दीजिए अपना ख्याल रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफ़िज